नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी जी। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मनीष पांडे, मैं अपने चैनल पांडे 2.0 में आपका स्वागत करता हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस मनाया जाता है। इस बार धनतेरस 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को पड़ेगा। आप अपने सामर्थ्य और आवश्यकता अनुसार धनतेरस के दिन बर्तन, सोने चांदी के आभूषण, लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीद सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस दिन कोई भी वस्तु खरीदने से इसमें 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए भी लोग ज्यादातर सोना चांदी की आभूषण या बर्तन खरीदते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार सोना में कलयुग का वास होता है, तो कुछ लोगों का मानना यह भी है कि अगर सोना में कलयुग का वास होता है तो धनतेरस में सोना खरीदना शुभ कैसे होगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पीला रंग श्री कृष्ण भगवान को, यानी भगवान विष्णु का अवतार जो है, उनको प्रिय है, और सोने में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर आप बुरे कर्मों से कमाए गए पैसों से सोना खरीदते हैं तो उसमें कलयुग का वास होता है, जो कि अशुभ होता है। और अगर आप अपने अच्छे कर्मों से कमाए गए पैसे से सोना खरीदते हैं तो उसमें भगवान विष्णु का वास होता है और यह शुभ माना जाता है। इसलिए आप धनतेरस के दिन सोना खरीद सकते हैं। लोगों की मान्यता यह भी है कि इस दिन जो भी सोना चांदी खरीदे वह किसी और को नहीं दे, उसे अपने पास ही रखे। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के आभूषण या बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी जी।